बॉलीवुड के इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कई तरह की फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन हर तरह के अभिनय करने का दमखम रखते हैं और इस चीज को उन्होंने अपने 50 साल के करियर में बखूबी दर्शाया है। साल 1975 अमिताभ बच्चन के लिए काफी लकी साबित हुआ था, जहां उन्होंने कई सारे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जिसमें शामिल है दीवार, शोले, छोटी सी बात, चुपके चुपकी और मिली। उसी वर्ष उन्होंने एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म में काम किया था जिसका नाम है फरार, जिसे डायरेक्ट किया था शंकर मुखर्जी ने। ये फिल्म उस साल की अमिताभ बच्चन की तीसरी ऐसी फिल्म है जिस फिल्म के क्लाइमैक्स में वे मारे जाते हैं। सच कहे तो ये एक हिट फिल्म है, लेकिन उस साल आए अमिताभ बच्चन की अन्य फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में साधारण कारोबार किया था। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अलंकार चित्रा ने। इस फिल्म में कुछ कमाल का अभिनय देखने को मिलता है, जिसे देखने पर फिल्म काफी इंटरेस्टिंग और मनोरंजक लगती है। इस फिल्म का प्लॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे 5 लोगों ने लिखा था, जिसमें शामिल है गुलजार, मधुसूदन कालेकर, कयाय, अखिल कुमार और प्रोतो मुखर्जी। फिल्म में म्यूजिक दिया है बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आज हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से कलाकार हो सकते हैं जो फिल्म फरार की रीमेक में मुख्य किरदारों में नजर आ सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कुछ ही लोग जानते हैं। ओए मुझे समझ में नहीं आता, तो क्या कर रहे हो? वीडियो तो देख रहे हो, मजा तो आ रहा है, पर लाइक तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे लाइक? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं। तुम्हारा क्या जाता है? सब कुछ फ्री है, फ्री फ्री फ्री। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं फिल्म की ओरिजिनल कहानी और स्टार कास्ट के बारे में। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार ने लीड रोल निभाया था। फिल्म में अन्य कलाकारों में थे सुलोचना लातेकर, राजन हक्सर, डी के सप्रू, भगवान मुराद और अन्य कलाकार। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि अगर इस फिल्म की रीमेक बनेगी तो इस फिल्म में राजेश का दमदार किरदार निभा सकते हैं सलमान खान, जो इस अमिताभ बच्चन के किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। इंस्पेक्टर संजय का इंटेंस किरदार निभा सकते हैं वर्सेटाइल एक्टर अजय देवगन, जो इस किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। वही माला उर्फ आशा का किरदार निभा सकती है बॉलीवुड की सुपर गॉर्जियस और सिजलिंग एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। फिल्म के अन्य किरदारों में कुछ नए पुराने चेहरे नजर आ सकते हैं। फिल्म की कहानी एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति राजेश की है, जो अपनी बहन नीता और माँ के साथ रहता है। वो अपनी प्रियसी माला से प्यार करता है और अपनी बहन की शादी के बाद माला से शादी करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश माला के पिता को राजेश और माला के बीच की नजदीकियाँ पसंद नहीं होती और वो माला की शादी एक पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर संजय से कराता है। शादी के बाद उन दोनों को एक बच्चा भी होता है। एक दिन राजेश कुमार की बहन नीता को उसका बॉस तरुण कुमार उसकी याच में बुलाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, जिसमें नीता मारी जाती है। राजेश पुलिस केस करता है, पर सबूतों और गवाहों के कमी की वजह से तरुण को अदालत बरी कर देती है। राजेश कानून को अपने हाथों में लेता है और तरुण को मार देता है। राजेश अब एक खूनी है और अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए वो एक घर में घुस जाता है और वहाँ पर एक बच्चे को बंदी बना देता है। राजेश को पता चलता है कि ये माला का घर है, जिसकी शादी संजय से हुई है। राजेश अब असमंजस में है, क्या बच्चे को रिहा कर दिया जाए? माला, जिसका शादी के बाद नाम आशा है, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए राजेश की मदद करती है, साथ ही संजय को कोई ठोस कदम नहीं उठाने के लिए कहती है। कहानी और पेचीदा होती है और संजय को राजेश और माला का अतीत का पता चलता है। जब राजेश की माँ संजय से राजेश की जिंदगी की दुआई देकर उससे मदद मांगती है, राजेश बच्चे से गुल मिल जाता है और बच्चे को स्कूल की एक प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। संजय किसी तरह राजेश के हाथों अपने बच्चे को छुड़ाता है। बच्चा प्रतियोगिता में जीत की खबर राजेश को देने के लिए आता है, जिसके दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राजेश उसी दौरान घर से भाग रहा होता है। बच्चे को घायल देख वो उसे घर ले आता है। राजेश अपना खून देकर बच्चे की जान बचाता है। माला उर्फ आशा और संजय इस बात से राजेश का एहसान मानते हैं। राजेश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और एक पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। फिल्म के अंत में संजय, माला और राजेश की माँ राजेश की मौत से दुखी हो जाते हैं। तो ये थी इस फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट। इस फिल्म की कहानी हॉलीवुड फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर से प्रेरित थी। फिल्म की कहानी को आज के दौर से मेल खाने के लिए एक आधुनिक टच दिया जा सकता है।
दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फिल्म के क्लाइमैक्स का दो वर्जन शूट किया गया था, जिसके एक वर्जन में राजेश को गोली लगने से वो बच जाता है और दूसरे वर्जन में वो मारा जाता है। इस क्लाइमैक्स का दूसरा वर्जन ही फिल्म में रखा गया। फिल्म का टाइटल पहले 20 तरीके रखा गया था। तो ये थी इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस फिल्म को अगर बॉलीवुड के डायरेक्टर फरहान अख्तर डायरेक्ट करे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों अगर इस फिल्म की रीमेक में अगर ओरिजिनल फिल्म का गाना हमारा ये दिल जानी और मैं प्यासा तू सावन का रिमिक्स बने तो काफी मजेदार होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस फिल्म की रीमेक हिट होगी या फ्लॉप? और आने वाले वीडियोस में आप किस फिल्म की रीमेक या सीक्वल देखना पसंद करेंगे? आपके विचार और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।